हमारा आज का जो सेशन है दिस इज अबाउट रिलीजिंग नेगेटिव इमोशंस. ओके, पहली चीज, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, यू नो, वी ऑल हैव अ कॉन्शियस माइंड. ओके, दिस आई एम श्योर हम सब ने श्योर. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव another part of us that we call your unconscious mind. Okay, in our shell. सबको पता है हमारे अंदर जितनी भी चेंज आती है वो कॉन्शियसली नहीं आती मगर वो अनकॉन्शियसली आती है. आपका ये जो लाशऊर है, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द मेमोरीज. एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ इज रिकॉर्डेड राइट इनसाइड योर अनकॉन्शियस. टू द एक्सटेंट कि वो इवेंट्स, वो चीजें जो आपकी जिंदगी में उस वक्त हुई जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, दे आर रिकॉर्डेड इन योर अनकॉन्शियस. आजकल हम देखते रहते हैं अक्सर लोग, यू नो, इस किस्म की वीडियोज आती हैं, कभी टीवी पे कोई इस तरह की न्यूज आती है कि छोटा सा बच्चा है और उसको कुरान की कई आयात याद हैं, सूरतें याद हैं. ओके, सो बिकॉज जिस वक्त माँ एक्सपेक्ट कर रही थी तो वो पढ़ा करती थी और जो कुछ वो पढ़ रही थी, जो कुछ वो देख रही थी, वो चीज़ बच्चे के जहन पे. सो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमारी जिंदगी का होने वाला हर हर इवेंट इज स्टोर. इवन वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि हमको याद नहीं है, इवन वो चीजें जो आप समझते हैं कि आप भूल गए. कभी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर आपके साथ, कि मसलन किसी जगह गए और किसी अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई, इन द मोमेंट यू सी दैट फ्रेंड, सडनली बहुत सारी दूसरी चीजें पुरानी रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं. यू नो, बहुत सारे दूसरे दोस्त, मोहल्ले वाले, यू नो, अगर फर्स्ट करो स्कूल का कोई दोस्त था तो स्कूल के टीचर्स, एंड यू स्टार्ट रिकॉलिंग नंबर ऑफ पीपल. होता है ऐसा? ओके, नाउ वो चीजें कहाँ थी, कहाँ से आई एकदम से? वो सब, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में आपके लाशऊर के अंदर महफूज थी. सो आपका जो लाशऊर है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, और इस जो लाशऊर होता है हमारा, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता है कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसको स्टोर करता रहता है. मसलन अब जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो रिकॉर्डिंग के अंदर इट्स नॉट जो मैं कह रहा हूँ खाली वो रिकॉर्ड होगा, बल्कि जैसे एसी चल रहा है उसकी आवाज़ भी, बाहर से अगर फर्स्ट करें कोई गाड़ी गुजरती है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा. ओके, सो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है इट रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. हमारे अंदर जितनी चेंज आती है वो सारी चेंज अनकॉन्शियस लेवल पे आती है. आपने देखा होगा मसलन सिगरेट के हर डब्बे पे लिखी होती है वार्निंग. हर सिगरेट पीने वाला जानता है कि वो चीज़ नुकसानदेह है, यानी कॉन्शियसली हर शख्स जानता है, स्टिल लोग पी रहे होते हैं, स्टिल लोग शुरू करते हैं. They consciously understand, yet unconsciously they just cannot stop themselves. Unconscious mind एक responsive mind होता है और एक emotional mind होता है. यानी हमारे जितने emotions हैं, positive and negative, वो सारे emotions unconscious level पे store हैं. So अब because चीज unconscious level पर है, so उसको निकालने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? सिंपल, राइट? इट्स थिंक अबाउट दिस कि मसलन आपके पास एक फाइलिंग कैबिनेट है, आपने एक फाइल ऊपर उसमें रखी है, एक फाइल इधर रखी है, एक फाइल नीचे रखी है. अब जो फाइल नीचे है उसको मैं ऊपर सारी जिंदगी ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिलेगी. यू गेट दिस? आपके कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में आपने, यू नो, मुख्तलिफ सेक्टर्स बनाए हुए, और हर सेक्टर में आप मुख्तलिफ चीजें डाल रहे हैं. फर्स्ट कीजिए एक सेक्टर है जिसमें आप अपनी सारी वीडियोज रखते हैं. अब जो वीडियोज हैं आपने, लेट्स सपोज दिस इज सेक्टर एफ, अब आप एवरी टाइम यू आर सर्चिंग फॉर वीडियो यू हैव टू गो टू सेक्टर एफ. यू नो, इफ यू आर सीइंग, यू नो, ट्राइंग टू सर्च इट इन सी और डी और ई, यू विल नॉट फाइंड इट. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? इट्स नॉट देयर. इट्स नॉट देयर, सिंपल. ओके, सो व्हाट हैपेंस विद पीपल इज दे हैव दीज नेगेटिव इमोशंस इनसाइड देम. And the sources for these negative emotions could be many. You know, past experiences, misinterpretation of things. Okay. किसी ने एक बात कही एंड जिस वक्त कही वो एक अच्छे मूड में नहीं था, और हमने उसकी कही भी बात, वो जो कहने वाला था वो कहकर भूल चुका है, right? मगर हमने उस बात को अपने जहन में इतनी बार दोहराया, इतनी बार दोहराया, इतनी बार दोहराया,
कि वो हमारे अंदर फिर हम कहते हैं बैठ गई है ये चीज मेरे अंदर, ठीक, वो कैसे बैठी हमारे बार बार उस चीज को दोहराने से। सो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन ये है दैट अनकॉन्शियस माइंड नीड्स रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को पक्का कर लेता है। ओके, इट सेट्स अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, इट बिकम्स अ वे ऑफ थिंकिंग फॉर द पर्सन। ठीक है, मेक सेंस? अब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? कैन बी मेनी, देयर इज नो वन सोर्स। एज आई सेड, यू नो, किसी ने कोई बात कह दी दैट इट कुड बी कि जो इंफॉर्मेशन हमारे जहन को जा रही है। आज हमें माहिर नफ्सियात ये बताते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो दो चीजें बदल लो, उनमें से एक चीज वो इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे जहन को जाती है, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे जहन को जाती है। क्यों? जहन का एक प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली कंप्यूटर का प्रिंसिपल है जो इंसान की ब्रेन पे एग्जैक्टली अप्लाई होता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज GIGO, सिंपली इट्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो लोग जो अपने जहन को गार्बेज नेगेटिव इंफॉर्मेशन से फीड करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर व्हाट विल दे गेट? गार्बेज। ओके, अब मसलन फर्ज कीजिए एक शख्स बीज करेले का लगा रहा है, तो उसको आम का फल मिलेगा? वो अगर बड़ी दुआएं करे, वजीफे करे, चिल्ले करे, ओके, आम का फल निकल आएगा? अच्छा, वो अगर बीच ले जाके मैं मक्का में बोल देता हूँ तो वहां पे मेरे मुझे आम का फल निकल आया, वो नहीं होगा। अल्लाह ताला के कानून दुनिया में ऐसे काम नहीं करते। एज यू सो, सो शैल यू। जो हम बोएंगे आगे जाके हम, अब ये जो हम बोल रहे हैं अक्सर चीजें वो हम खुद नहीं बोल रहे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम कॉन्शियसली नहीं बोल रहे होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे जहन को जा रही होती है कॉन्शियसली नहीं जा रही होती है। उसका एक सोर्स है आपके मेरे हर एक के घर के अंदर मौजूद है, उसको क्या कहते हैं? सैड बट ट्रू, बट व्हेन यू टर्न योर टेलीविजन ऑन इन द मॉर्निंग व्हाट काइंड ऑफ न्यूज डू यू सी? विल टेल यू आज हालात बड़े अच्छे नहीं, नहीं बताएंगे आज की आई कि फ्लाइट फलानी जगह लेट हो गई, जद्दा में मुसाफिर फंस गए हैं, इस्लामाबाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं, विल टेल यू ऑल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लाहौर के अंदर छत गिर गई उससे एक शख्स हलाक, विल टेल यू एवरीथिंग दैट्स नेगेटिव, दैट्स बैड। ओके, जहन को क्या इंफॉर्मेशन जा रही है? नेगेटिव। बाहर क्या आएगा? सिंपल, व्हाट गोज इन कम्स आउट। अच्छा, अब हमारे जहन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। आप जिसे अपनी मादरी जबान कहते हैं, ओके, व्हाई इज इट योर मादरी जबान? थिंक अबाउट दिस। जब आप दुनिया में आए, आपने दुनिया में आकर, आपको बोलना तो नहीं आता था? कोई है ऐसे यहाँ पे जो बोलता तो पैदा हुआ? आई डोंट नो, टेक्नोलॉजी का जमाना हो सकता है, okay. लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ अस जब हम दुनिया में आते हैं बोलते भी नहीं आते, ओके, हम दुनिया में आके बोलना सीखते हैं। हमने एक जबान हमारे घर में बोली जा रही थी, हमें किसी ने बिठा कर ग्रामर नहीं पढ़ाई थी। कभी हुआ था कोई ऐसा है जिसके साथ अम्मी ने अब्बा ने कहा बेटा इधर आओ तुम्हारी ग्रामर आज तुम्हें पढ़ा, राइट? ऐसे नहीं हुआ। क्या हुआ? हम एक माहौल में पैदा हुए, उस माहौल में जो कुछ हो रहा था उस इंफॉर्मेशन को हमने देखा, सुना, महसूस किया, हमारे फाइव सेंसेस के ऊपर, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, वो इंफॉर्मेशन हमारे जहन के ऊपर इन्फोर्स होती गई, रिपीट होती गई, एंड वी फाउंड हम भी वही जबान बोलने लगे। अब आपने ये भी देखा होगा कि आप ही की फैमिली का कोई शख्स होगा, मे बी आपका कोई कजन, मे बी आपका कोई सगा भाई है, वो अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, और उसके बच्चे वहां पैदा हुए, माँ उर्दू बोलती है, बाप उर्दू बोलता है, राइट? दादा दादी नाना नानी उर्दू बोलते हैं या पंजाबी या सिंधी जो भी आपकी जबान हो, लेकिन वो बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ उसके लिए दो जुमले उर्दू के बोलना मुश्किल लगता है। हाउ कम?
क्यों कैसे होता है ऐसा. This is right. Yes, this is no, this is I don't understand. Okay. होता है ऐसा या नहीं होता. Okay. क्यों? Why does that happen? There must be something happening here. It happens because जिस चीज पे आपका ज़हन expose होता है, वो चीज आपको natural लगती है. Do you get this? जिस चीज पे आपका ज़हन repetitively expose हुआ, जिस language पे expose हुआ, जिस माहौल पे expose हुआ, जिस अकीदे पे expose हुआ, वो चीज आपको natural लगने लगी. You get this? Right? Now, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए कहते ये नेचुरली आता है. ये नेचुरली क्यों आता है नेगेटिव उनके अंदर? बिकॉज दे बीन एक्सपोज्ड टू इट सो मेनी टाइम्स. यू अंडरस्टैंड? एन अनकॉन्शियस माइंड इज अ रिस्पॉन्सिव माइंड. इट डजंट केयर वेदर समथिंग इज राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, रियल, अनरियल. इट रिस्पॉन्स. ओके. So if you want to change your life, एक चीज है, change the information that goes into your head. What does that mean? Keep your television off, especially in the morning. Okay? Do not feed your brain with anything negative, especially in the morning. ठीक है? Does this make sense? And don't feed your brain with anything negative when you're going to sleep. Do you understand? Because brain जो भी कुछ हो रहा है, even आप बैठे हुए आपके ख्याल में आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, but वहाँ television चल रहा है और television के ऊपर कोई negative information आ रही है, वो negative information हमारे ज़हन के ऊपर automatically record होती चली जाती है. Okay? So that's one thing. दूसरी चीज जो माहिर नफ्स आप कहते हैं वो ये कि if you want to change your life, change the people you move with. What does that mean? वो लोग जिनके साथ आपकी जो your life is an average of 5 people that you move with. अब आज के जमाने में उसका एक सोर्स जो हमारा सोशल मीडिया है, 25 लोग जो आपके फेसबुक या दूसरे सोशल नेटवर्क के ऊपर हैं, वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, एक चीज दैट रियली रियली इज पैथेटिक एक्चुअली, इज इस पर लानत भेजकर आगे शेयर करें. डोंट यू सी दैट? लानत भेजकर आगे शेयर करें, लानत भेजकर शेयर करें. ओके, स्टे अवे फ्रॉम दैट, स्टे अवे फ्रॉम ऑल सच. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फर्स्ट दिन अब मेरे माहौल में ऐसा नेगेटिव कोई शख्स नहीं जाएगा, उनसे जितना कम आप इंटरेक्ट कर सकते कीजिए. अच्छा, अगर आपको माहिर नफ्सियात की बात नहीं समझ में आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लीजिए. एक हदीस का मफहूम है, अगर कोयला फरोश के साथ बैठोगे तुम्हारे हाथ काले होंगे, कुछ नहीं तो तुम्हारे पास उसके पास बैठने की जैसे तुम्हारी सांस में, और अगर तुम एक खुशबू फरोश के साथ बैठोगे, इतर फरोश के पास बैठोगे, तो उससे मुसाफा करने की जैसे तुम्हारे पास से खुशबू आएगी, और कुछ नहीं तो उस खुशबू से ही तुम फायदा उठाते रहोगे. द कंपनी यू कीप हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर साइकी. डू यू अंडरस्टैंड? सो यू मेक श्योर कि आप यू कीप योरसेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम सच. अगर फर्स्ट कीजिए कि आपकी फेसबुक पर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप ये नहीं कर सकते, द मिनिमम यू कैन डू इज कि उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपकी फीड्स में नजर नहीं आए. एंड फेसबुक इज जस्ट वन एग्जांपल. दूसरी चीज, आपके अगर फर्स्ट के कलीग्स में ऐसे लोग हैं, उनसे अपने काम के अलावा दूसरी बातों के अंदर डोंट स्पेंड योर टाइम. यू अंडरस्टैंड? सिंपल. बट बहरहाल अभी हम जो करेंगे, आई वॉन्ट यू टू पिक वन नेगेटिव इमोशन दैट यू मे बी एक्सपीरियंसिंग. इट कुड बी एंगर, इट कुड बी सैडनेस, इट कुड बी फियर,
एक्सेसिव फियर बाय द वे हर इमोशन जो आप एक्सपीरियंस करते हैं इज यूजफुल इन सम सिचुएशन हर इमोशन जो आप और मैं एक्सपीरियंस करते हैं इज यूजफुल इन सम सिचुएशन एंड नॉट यूजफुल इन अदर यू अंडरस्टैंड फियर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए यू थिंक फियर इज टोटली नेगेटिव टोटली नॉट यूजफुल फर्स्ट कीजिए अगर कहीं बाहर गोलियां चल रही हैं हालात खराब हैं ओके एंड आई हैव नो फियर एंड एज अ फियरलेस पर्सन मैं बड़े मजे से गोलियां चल रही हैं तो क्या हुआ यू थिंक दैट्स अ स्मार्ट थिंग सो वो जो फियर है एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू इन मेनी केसेस डू यू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई अनकॉन्शियस माइंड होल्ड्स बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड के जो फंक्शन हैं उनमें से एक फंक्शन ये है योर अनकॉन्शियस माइंड वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट Your unconscious mind wants to keep you healthy, wants you to survive. That's one of the functions that this your unconscious mind performs. Do you understand? Her emotion, even though wo negative, hamein apparently negative lagta hai, but uske piche there is some benefit that we are getting. That's the reason unconscious mind holds that emotion. So what we will be doing is, we will not be taking away your ability to have that emotion. You will still have the ability to have that emotion as and when you want or need to. कई साल पहले मेरे पास एक शख्स आया, probably 17-18 साल पहले, and एक young आदमी है, and he said कि जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, I want कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आए. And I said गुस्सा नहीं है, I said नहीं क्यों भाई, बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाए. And I said just imagine. अगर तुम रोड पर जा रहे हो तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन है तुम्हारी बीवी है और कोई शख्स पीछे से छिछोरा शख्स आता है उसको हाथ लगाता है यू थिंक उसको नहीं गुस्सा नहीं गुस्से इज अ यूजफुल इमोशन डू यू अंडरस्टैंड एवरी इमोशन दैट यू हैव इज यूजफुल इन सम वे सैडनेस फॉर एग्जांपल यू थिंक इट्स अ टोटली नॉट यूजफुल इमोशन फर्स्ट कीजिए किसी की मैयत हो गई है एंड हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं है सैडनेस की हमने उसको बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है अच्छा अब्बा गए बड़ा अफसोस हुआ बड़े दिन बीमार रहे माशाल्लाह बड़ी तकलीफ में था आखिरी दिनों में तो यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग सो एवरी इमोशन हैज सम यूटिलिटी इन सम 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 यू नो सम सिचुएशन इन आवर लाइफ एवरी इमोशन दैट वी एक्सपीरियंस इज यूजफुल इन सम सिचुएशन Every emotion we experience has some benefit. And it is because of that unconscious benefit that we have, people want to maintain that. They don't do it consciously, obviously. And when they say they want to get rid of it, the reason they're saying is because at conscious level, they're experiencing some negative symptoms of that negative emotion. You understand? Okay? So what we will be doing is, we will not be taking away your ability to have that emotion. You will still be able to feel anger. You will still be able to feel fear, for example. You will still be able to feel any negative emotion that you want to work on. But what we will be releasing is, wo jo purana aur bahut sara baggage lekar aa rahe hain. Okay? Wo jo purana bahut sara kandhe pe hamare बोझ चला रहे हैं विल बी जस्ट रिलीजिंग दैट डू यू थिंक दैट कैन बी यूजफुल फॉर यू वेरी मच ओके सो अब सवाल ये होता है कि अच्छा जी अगर दोबारा हो गया तो थिंक अबाउट दिस मुझे बुखार था मैंने गोली खाई मेरा बुखार ठीक हो गया अब मुझे बुखार दोबारा तो नहीं होना चाहिए ना मैंने गोली खा ली बुखार सही हो गया दोबारा से देंगे मेरे हो सकते हैं बुखार मुझे थोड़ी थिंग नहीं मुझे डॉक्टर ने जो कर दिया मेरे साथ चीटिंग कर ली मुझे इतने दिन अस्पताल में भी रखा है इलाज किया जब बुखार सही हो गया उसके बाद दोबारा तो नहीं होना चाहिए ये बड़े बेईमान होते हैं डॉक्टर लोग डज इट वर्क दैट वे This is yes, this is no. I don't understand.
So the, if ye cheez ho ki kya mujhe dobara aainda kabhi zindagi mein gussa nahi aayega, aayega. Kya mujhe aainda kabhi dar nahi lagega, lagega. You know, I teach a course, its naam is Shape Your Destiny. Shape Your Destiny, we do firewalk. Okay, I'm also working on another course, its naam is Shape Your Personality. Shape Your Personality mein, you know, you actually walk on broken glasses. Okay, sheeshe ke tukde yahan phir phele mein, and you like walk on it. The fear that it can, okay, and do a lot of damage is absolutely real. The fear that when you walk on fire and you get burned, okay, the danger actually, not the fear, the danger is real. The danger that it can happen is very, very real. Okay, you do, and you can get burned if you're walking on fire. But the difference between a successful person and a not a successful person is that a successful person acts in spite of his or her fear. A kamyab insan or nakam insan mein jo major difference hai usse kya hai? Wo fear ya wo negative emotion jo kisi insan ko rokta hai, ek wo nakam insan aur ek wahi fear, wahi negative emotion ek kamyab insan uske bawajood act karta hai. मसलन फर्स्ट कीजिए, एक शख्स से वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, द डेंजर दैट द बिजनेस विल नॉट वर्क पॉसिबल. एक शख्स जो है वो एक नया रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट करता है, नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा है, इज इट पॉसिबल कि रिलेशनशिप ना चले? ओके, सो द डेंजर ऑफ इन एनी सिचुएशन इज रियल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अ सक्सेसफुल पर्सन takes action. And an unsuccessful person, because of that, does not take action. Okay? So I'm saying this again, your ability to have that particular negative emotion that you want to work on will still be there, but the emotion will not. Okay? So I want you to pick one negative emotion you want to release today. I want you to think, it's like when you leave my office today, you will not have that negative emotion. You will still have the ability to have the emotion. You will still have the ability to have that emotion. In other words, in future, you will have that emotion. But when your baggage piche jama hua hai, you'll find it will be released from you. Okay? Speak one emotion. So like, you don't have to take me, just keep it in mind. If I would say, if I put the emotion like fear, so there are different, sorts of, fear. So if I pick that, in what way should I pick that need to be identified? Specifically, pick one specific fear. One specific fear. Pick one specific fear. ओके सही. ओके, अब मैं जो आपको प्रोसेस कराऊंगा उस प्रोसेस के अंदर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर योर वॉइस इज ऑन साइलेंट एंड ऑल यू विल बी डूइंग विल बी सिटिंग विद योर आईज क्लोज्ड, योर आर्म्स एंड लेग्स अनक्रॉस्ड लाइक दिस. ओके, चेयर के ऊपर जहाँ बैठे हैं इसी तरह से आप लोग बैठे हैं, सिर्फ आपके हाथ और पैर अनक्रॉस होंगे, हाथ इस तरह से एंड योर आईज विल बी क्लोज्ड. And before we start, आपको अगर किसी को पानी पीने की जरूरत है, please help yourself. Because कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम when we do this process, तो हम अपने थोड़ी सी dryness feel होती है, then उसकी वजह से लोगों को खांसी का बाउट होता है, तो उनकी जो relaxation disturb होती है. बाहर पानी अवेलेबल है, ग्लासेस रखें, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ.